नमस्कार मित्रों, बाबा की खरी खोटी चैनल पर मैं अनिल सिंह लखनऊ से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। और मेरे साथ जुड़े हैं बाबा रामदास मनाली से। सबसे पहले बाबा जी का हम स्वागत करते हैं। बाबा जी जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज एक विशेष प्रश्न पर चर्चा करने के लिए बाबा जी से मैंने अनुरोध किया है और बाबा जी अत्यंत कृपा पूर्वक, जैसे कि वो हमेशा किया करते हैं, तैयार भी हो गए हैं उस पर बात करने के लिए जी। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजों की सारी गर्मी निकल जाने के बाद एक बार फिर से चुनाव का मौसम देश के ऊपर तारी है और दो राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव की घोषणा कर दी है चुनाव आयोग ने। अब उनमें स्थिति ये है कि अब विभिन्न पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणाएं कर रही हैं। उनमें से एक राज्य हरियाणा है और हरियाणा में कांग्रेस ने जाट अस्मिता को एक मुद्दा बनाते हुए पहलवानों के ऊपर जो है अपना दांव खेल दिया है। तो पहलवानों का मामला आपको पता ही है कि कतिपय पहलवानों ने तत्कालीन कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया और बार बार और उच्च स्वर में यह आरोप लगा करके उन्होंने इतना किया कि ब्रजभूषण शरण सिंह को कुश्ती संघ से हटवा ही दिया। अल्टीमेटली इसका जो नुकसान कुश्ती जगत को हुआ, कुछ पदकों का नुकसान हो गया भारत को ओलंपिक में, वो अपना अलग विषय है। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो मामला उन्होंने दायर किया वो मामला अभी चल रहा है अदालतों। तो बाबा जी इस बीच इस विषय पर कई वीडियो बना चुके हैं और एक वीडियो में वो बड़े विश्वास के साथ ये घोषणा करते हैं कि जो आरोप पहलवान लगा रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर, वो सारे के सारे बिल्कुल ही निराधार हैं, उनका कोई बेस नहीं। तो मेरा प्रश्न ये है बाबा जी आपसे कि बावजूद इसके कि न्यायालय ने उन आरोपों को प्रथम दृष्टया सुनवाई करने योग्य पाया, वरना ज्यादातर आरोप तो इसी स्टेज में खारिज हो जाते हैं कि यह बेकार है, कोई दमी नहीं है इसमें, लेकिन अदालत ने कम से कम इस लायक उनको माना कि उनके ऊपर आगे सुनवाई हो सके। इसके बावजूद आप इतना विश्वास के साथ कैसे ये कहते हैं कि सारे आरोप मिथ्या है? जी बाबा जी, देखिए इधर मैंने अपने देश की न्यायपालिका को अन्यायपालिका कहना शुरू कर दिया है और उसको भी मैं तथ्य पूर्वक सिद्ध करूंगा कि मैं आखिर अपने देश की न्यायपालिका को अन्यायपालिका क्यों कहता हूं। तो सब जहां तक आरोप लगाने की बात है, आप एक काम करिए, मुझे 2-4 करोड़ रुपए की फंडिंग करा दीजिए और आरोप तो मैं इस धरती में 8 बिलियन लोग हैं किसी पे लगवा दूंगा, किसी और आप नाम दीजिए। आप मुझे एक काम करिए, सुपारी दीजिए, आप कहे तो मैं पुतिन साहब पे लगवा दूं, किम जोंग पे लगवा दूं, ओबामा पे लगवा दूं। अब बाइडेन तो अभी हैं कि टपक गए? बाइडेन है, अभी जिंदा है ना? नहीं, अभी तक तो जिंदा है। उन पे लगवा दूं और बोलिए और 2-4 बड़े नाम लीजिए, आप कहिए मैं किस पे लगवा दूं। आरोप ही लगाने, मैं आपके ऊपर लगा दूं, बोलिए अभी तुरंत कि अनिल सिंह ने आज से 8 साल पहले एक लड़की तो खड़ी करनी है कि अनिल सिंह ने यह किया, हो गया, लग गया आरोप। अब एक काम करें, आरोप लगते ही तो सबसे पहला काम तो आपको उठा के जेल में बंद कर दिया जाए। क्यों? यही ना भाई, पहलवानों का तो यही कहना है ना, चूंकि हमने आरोप लगा दिया, बात खत्म, अब इनको जेल में बंद करो। अब ऐसे थोड़ी ना होता है। अब देखिए ऐसा है सर, आरोप झूठे हैं। हाँ, अब आप कुछ कह रहे थे, ऐसा है क्या, कैसा है बताइए? ऐसा है कि जिस समय आरोप ये लगाए गए और न्यायालय के संज्ञान में लाया गया मामले को, तो कई बातें उसी समय उठी थी। जैसे एक पर्टिकुलर आरोप में तो ये पाया गया कि वो लड़की जो कह रही थी अपने को नाबालिग बता रही थी, वो बालिग पाई गई। वो पॉक्सो वाला जो आरोप है वो तो ध्वस्त हो गया वहां पर। नहीं नहीं, उतना ही नहीं, उसने यहां तक बयान दिया, कोर्ट में बयान दिया कि मुझसे, मुझे बरगला के मुझसे झूठे आरोप लगवा लिए गए।
तो वो तो आरोप खत्म हो गया, वो तो खत्म हो गया। बाकी भी जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनके बारे में इस प्रकार के प्रमाण मौजूद हैं कि जिस तारीख की बात वो बताई जा रही है उस तारीख में ब्रजभूषण शरण सिंह थे ही नहीं मौके पर। आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली में उनके साथ जो है यौन हिंसा हुई, यौन शोषण हुआ और वो थे लखनऊ में, गोंडा में। तो ये सारी चीजें तो पहले से मौजूद हैं। इसके बावजूद जब अदालत ने उन आरोपों का संज्ञान लेकर के आरोपों को मतलब आरोप लगाने की अनुमति दी एक तरीके से पुलिस को, हाँ ठीक है आप आरोप पत्र दाखिल कीजिए और उसके बाद जो है उसमें होनी है सुनवाई, तो कुछ तो उसमें अवश्य मिला होगा अदालत को जिसके आधार पर वो उसकी सुनवाई करने के लिए तैयार हो गए हैं। हाँ, तो उनको प्राइमा फेसी कुछ तो है जिसके बावजूद आपको विश्वास है कि ये आरोप बिल्कुल ही झूठे हैं। तो अदालत के पीछे क्या, अदालत के पास क्या आधार है ये कहने के लिए कि नहीं आरोपों में दम हो सकता है, और आपके पास क्या आधार है ये कहने के लिए कि आरोप झूठे हैं? बिल्कुल हो सकता है। मैं अदालत ने आखिर किस आधार पर इन आरोपों में मुकदमा चलाना तय किया? नहीं आरोप की भाई मुकदमा तो चलेगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको। एक लड़की है, उसने आरोप लगाया कि तारीख फारीख हमको याद नहीं है, हम अपने कोच साहब के साथ फेडरेशन ऑफिस गई थी तो हमारे साथ अध्यक्ष जी ने हमको जो है गलत तरीके से टच फच किया, तारीख फुरिक हमको याद नहीं है। अब जब तारीख याद नहीं है तो क्या पुलिस जांच करेगी? तो उन्होंने बोला कौन था तुम्हारा कोच? बोला फलाने थे। अच्छा, वो भी तुम्हारे साथ थे? बोला हाँ वो भी हमारे साथ थे। तो उनका फोन नंबर लिया जी जांच में, अब वो भी आ गए, उनका फोन नंबर ले आया। अब आजकल तो सर सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है, तथ्य भी जुटाने होते हैं। तो कॉल डिटेल सबसे बड़ा एक प्रूफ है कि आपने बोला कि आपको कनाट प्लेस पर किसी ने छेड़ा सुबह 9:20 पे, तो पता लगा आप उस वक्त जो है रोहतक में पाए जा रहे हैं, आपकी कॉल डिटेल बता रही है, तो पुलिस तो ये जांच करेगी। तो जो कोच साहब उनके साथ थे उनका कॉल डिटेल निकलवाया गया, क्योंकि तारीख पता नहीं है अभी। तो उस दौरान जब तारीखें चेक की गई तो 7 सितंबर 2022 को कोच साहब की लोकेशन ब्रजभूषण सिंह के निवास 21 अशोक रोड से लगभग 1 किलोमीटर दूर पाई गई। तो उन्होंने पूछा कि भैया इस 7 तारीख को तुम्हारा कोचवा जोन है वो दिल्ली में अशोक रोड पे दिख रहा है, तो क्या ये 7 सितंबर मान ले हम इसको? बोले हाँ सर वही था। तो तारीख पुलिस ने बताई कि या तो तुम तारीख बताओ नहीं तो हम ढूंढे। तो सब 7 सितंबर मान ली गई। फिर अब ब्रजभूषण सिंह से बोला आओ जी 7 सितंबर को आप जो है टी शर्ट लहंगा उठाए हो जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा जी कि 6 दिसंबर को सुबह, सॉरी 6 दिसंबर की रात को मैं एयरपोर्ट चला गया था, इतने बजे मैंने चेक इन कर लिया है एयरपोर्ट पे 6 दिसंबर की रात को, और सर्बिया में एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा था, मैं उसमें भाग लेने गया हूं, और 6 दिसंबर को सुबह, सॉरी 7 दिसंबर की अर्ली मॉर्निंग 4:20 पे मेरी फ्लाइट दिल्ली से टेक ऑफ कर गई और दोहा होते हुए सर्बिया गई है, ये रहा रिकॉर्ड। अब एक्यूज्ड जो है रात में 12:01 इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे चेक इन किया है, 4:20 पे फ्लाइट टेक ऑफ कर गई है, और जिस वक्त घटना बताई जा रही है लगभग 11 बजे उस वक्त वो अपने होटल में सर्बिया में सो रहा था। अब इसकी जांच तो बड़ी आराम से हो सकती है ना कि एक्यूज्ड झूठ बोल रहा है या क्या। अब या तो सब कंप्लेनेंट ये बोले कि नहीं साहब वो 7 तारीख नहीं, वो हो सकता है 15 तारीख रही हो, तो 15 तारीख का कोच का
कॉल डिटेल बताना चाहिए कि हाँ वो 21 अशोक रोड के आसपास है या 21 अशोक रोड पे है। तो सर ये प्रथम दृष्टया आरोप झूठा है, क्योंकि जिस दिन आरोप चार्जशीट में पुलिस ने अपनी जांच में आरोप का सत्यापन किया है उस दिन अक्यूज्ड सर्बिया में है, 7,000 किलोमीटर दूर। अब पुलिस, अब कोर्ट क्या कहती है, कोर्ट कहती है 7,000 किलोमीटर दूर है, तो डिफेंस काउंसिल ने कहा कि नहीं सर रुकिए, एक गाना सुनिए आप, जज साहब एक गाना सुनिए फिर फैसला करिएगा। तो बोला का, बोला सर तो वो शायद निरहुआ का या किसका उसने गाना चलाया, तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से। बोले सर उत्तर प्रदेश में ये टेक्नोलॉजी विद्यमान है कि रिमोट से लहंगा उठाया जा सकता है, तो इसकी जांच की जाए कि कहीं 7,000 किलोमीटर दूर से ब्रजभूषण सिंह रिमोट से नहीं ना टी शर्ट उठा रहे थे। तो कोर्ट ने कहा बिल्कुल, अगर भोजपुरी गाने में रिमोट से लहंगा उठाने की टेक्नोलॉजी है तो मुकदमा चलेगा। वाह वाह वाह, ताली बजाइए जरा प्लीज सर अनिल, ताली बजाइए। वाह वाह क्या बात कि 7,000 किलोमीटर दूर से एक्यूज ने हो सकता है कि रिमोट से लहंगा उठा दिया हो। एक आरोप तो ये है, इसको अब इसके आगे चर्चा की जाए अगर आपकी आज्ञा हो तो। बिल्कुल आज्ञा है बाबा जी, वो तो ठीक है। एक बार जब आपने न्यायपालिका को अन्यायपालिका बता ही दिया है और वो खुद भी मैं नहीं बता रहा हूँ सर, मैं नहीं बता रहा हूँ, अपना ये चरित्र जो है वो साबित एक्यूज 7,000 किलोमीटर दूर है तब भी न्यायपालिका कह रही है नहीं मुकदमा चलाओ, हम कह रही हूँ चलाओ भाई। नहीं मैं तो आपकी बात का ही समर्थन कर रहा हूँ, जब न्यायपालिका अन्यायपालिका में बदल चुकी है तो फिर उससे इस प्रकार के व्यवहार की आशा हमको करनी ही चाहिए। अब इधर इनका व्यवहार देखिए मिलाड़ का, वो एक एक करके सभी एक्यूज्ड क्या, बल्कि एक तरीके से अपराधी, वो बस सिद्ध होना बाकी है, सजा सुनानी बाकी है, एक एक करके सारे एक्यूज्ड को जो है वो जमानत देते जा रहे हैं, जमानत देते सारे जितने भी आरोपी हैं सबको जो है बेनिफिट ऑफ डाउट दे करके छोड़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो बेनिफिट ऑफ डाउट अक्यूज को न दे करके आरोप लगाने वालों को दे रहे हैं, ये हो सकता है, हो सकता है कि रिमोट से जो है कुछ कर दिया हो। हाँ, तो जी एक आरोप तो ये हो गया, बाकी दूसरे आरोप सर। एक कांग्रेस नेता है, पहले मैं उनको पहलवान कहता था, अब मैं कांग्रेस नेता कहूंगा। उस कांग्रेस नेता पे मेरा आरोप है कि उसने अपनी पत्नी को सीढ़ी बनाकर उससे राजनीतिक लक्ष्य हासिल करने के लिए अपनी पत्नी को सीढ़ी बनाया, ये मेरा आरोप है एक कांग्रेस नेता ने। उनकी पत्नी ने क्या आरोप लगाया, तब तक विवाह नहीं हुआ था उनका, तो उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि मैं 14 जून 2019 को, एक तो आरोप है 5 साल पुराना, 14 जून 2019 को अपने भाई के साथ फेडरेशन के ऑफिस गई, तो मेरे भाई को जो है सेक्रेटरी तोमर ने बाहर ही रोक लिया और मुझे अकेले अध्यक्ष जी नेताजी ब्रजभूषण शरण सिंह के पास मिलने भेज दिया, तो उन्होंने मेरी टी शर्ट उठाई, ये आरोप है। और उसने बाकायदा डेट दी है, क्योंकि ऊपर वाले केस में तो डेट पुलिस ने खोजी, कंप्लेंट में कोई डेट ही नहीं थी, इसमें बाकायदा डेट है 14 जून 2019। तो अब पुलिस ने बोला आओ जी ब्रजभूषण सिंह बताओ 14 जून 2019 को लगभग 11 बजे अपने आवास कम WFI कार्यालय में फलनवा की टी शर्ट उठाए हो। तो उन्होंने कहा हुजूर उस दिन 14 जून 2019 को लखनऊ के साई सेंटर में जूनियर बच्चों को स्कॉलरशिप के चेक बांटे जा रहे थे, उसका एक छोटा सा फंक्शन था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लखनऊ सेंटर में, तो केंद्र सरकार का
सेंटर है और केंद्र सरकार की ही शायद कोई स्कॉलरशिप थी खेल मंत्रालय की, और जूनियर बच्चियों को वो चेक बांटे जा रहे थे। तो मैं तो उस समारोह में चेक बांट रहा था लखनऊ में 11 बजे, और ये रहे उसकी वीडियोग्राफ और ये रहे उसके फोटोग्राफ। फिर भी कोर्ट ने कहा नहीं नहीं मुकदमा तो चलेगा। कहा है अरे तुम सबका कोई पता नहीं है, तुम बहुत सक्षम आदमी हो, तुम सचमुच रिमोट से लहंगा उठा देते हो, ऐसा आरोप है। पूर्वांचल वालों ने यह टेक्निक खोज ली है, इसलिए तुम लखनऊ में बैठ के भी दिल्ली का लहंगा उठा सकते हो। मुकदमा जब बेलग्रेड से, जब बेलग्रेड से लहंगा उठाया जा सकता है दिल्ली में, तो लखनऊ से तो बड़े आराम से उठाया जा सकता है। हाँ, जब 7,000 किलोमीटर दूर से उठा लेता है तो 700 किलोमीटर तक आए नहीं उठा लेगा, इसलिए मुकदमा तो चलेगा। अब आप मुझे बताइए कोई दम है? अच्छा एक आप बता, अच्छा इसमें बाकायदा डेट दी गई है, तो 14 जून को लखनऊ 11 बजे पहुंच गया जो आदमी, कै बजे सर चेक इन किया होगा? अगर 14 को सुबह गया होगा ना लखनऊ। अच्छा इसमें कोई झूठ बोलने की गुंजाइश है कि मैं वहां, क्या झूठे फर्जी वीडियो फोटोग्राफ बनाए जा सकते हैं आपको लगता है? अखबार की कटिंग भी उपलब्ध है, अखबार में छपी है खबर। अरे साई के बीसियों अधिकारी उस फंक्शन में उपलब्ध हैं, दिखाई दे रहे हैं, 50 खिलाड़ी हैं, चेक वितरण हुआ है। ब्रजभूषण शरण सिंह वाई कैटेगरी के सुरक्षा मिली हुई है उनको गृह मंत्रालय से, 25 पुलिस वाले जिसमें एक इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी होता है वह उनके साथ सुरक्षा में मौजूद रहता है। क्या कोई शक की 0.01% भी गुंजाइश है कि ये अलबाई जो है झूठी हो सकती है ब्रजभूषण सिंह की? मैं दर्शकों से ये सवाल कर रहा हूं। मिलाड को तो लगता है कि भाई कुछ गड़बड़ हो सकती है इसमें, अब कोई साधारण बुद्धि का आदमी तो ये इन्फरेंस नहीं निकाल सकता। जो जज बन गया वो निकाल रहे हैं सर, जो जज बन गया वो असाधारण। हम लोग सामान्य आदमी दिमाग से सोचता है, पहलवानों के बारे में कुख्यात है कि वो घुटने से सोचते हैं, हम लोग का दिमाग घुटने में बताया जाता है। सर न्यायपालिका का दिमाग कहाँ है इसके लिए? से मैं तो कहता हूं इस पे भी एक जांच कमीशन बैठना चाहिए। या यदि पहलवान घुटने से सोच रहा है तो न्यायपालिका का दिमाग शरीर के किस छिद्र में स्थित है, इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए कायदे से तो ब्रजभूषण शरण सिंह को भी जो है इन पहलवानों के ऊपर एक मुकदमा ठोकना चाहिए, मानहानि का और साथ में फर्जरी का। सर ठहरो, जरा रुकिए, जरा कोर्ट से फैसला आ जाने दीजिए, फिर वो अभी होगा, चिंता काहे करते हैं अभी। सर ठंडा करके खिचड़ी खानी चाहिए सर, मुंह वहां जल जाता है, अभी रुक जाइए। हाँ तो सर, अगर कांग्रेस नेता बजरंग पूनिया की होने वाली पत्नी, उस जमाने में होने वाली, बाद में तो हो गई, के आरोप की अगर व्याख्या हो गई तो मैं अगले आरोप पर चलूं, अगर आपकी आज्ञा हो? बिल्कुल हैं, हाँ आगे चलिए। तीसरा आरोप, एक और कांग्रेस नेत्री हैं, नेताइन, नेत्री संस्कृत निष्ठ शब्द है, हम लोग पूर्वांचल में नेताइन बोलते हैं, तो एक और नेताइन है, वो भी आरोप लगाई है, वो 2 दिन लगाई। अरे 16 को हमारा जॉन सोसन हुआ, हमारे तब तक इनका भी ब्याह नहीं हुआ था, इनका पार्टनर इनके साथ था, तो पार्टनर को अगेन विनोद तोमर ने बाहर रोक लिया, हम अकेले अंदर गई तो नेताजी हमारा टी शर्ट उठा के हमको बैट टच किए। ये भी दिन समेत आरोप लगाई हैं, 16 और 17 अक्टूबर को, 16 को पहले बुलाए थे हम, हमारे होने वाले पति पार्टनर को बाहर रोक लिए, हमको अंदर भेजिए, हमारा जॉन सस्सन हुआ, फिर हमको
उल्टी उबकाई सब पड़ने लग गई, हमारा तबीयत खराब हो गया, तो हमारा पार्टनर हमको ले गया, हम होटल में रात को रुके, अगले दिन फिर ले आया, उसी सत्र को फिर ले आया, और नेताजी फिर किए वही सब। अब मेरे को अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम करने में समय लग रहा है और बहुत प्रयास करना पड़ रहा है, नहीं तो मैं, खैर छोड़िए, कंट्रोल हो गया, कंट्रोल उदय, कंट्रोल कंट्रोल बाबा जी, कंट्रोल, गाली नहीं देना है माइक पर। तो साहब 16 तारीख को पहला असॉल्ट हुआ है, नेताइन ने यह आरोप लगाया। अब सर ब्रजभूषण सिंह से फिर पूछा गया का, हे नेता, 16 अक्टूबर 2017 को तुम कहां थे? तो उन्होंने कहा, हुजूर 2017 की 16 अक्टूबर को लखनऊ में अंडर 23 की ट्रायल हो रही थी, वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली थी पोलैंड में, तो उसकी ट्रायल चल रही थी लखनऊ में, अगेंस्ट साई सेंटर लखनऊ में। साहब मैं तो उस ट्रायल में मौजूद था, और नेता की एक बड़ी गंदी आदत है कि पहली कुश्ती शुरू होने से लेकर अंतिम कुश्ती का रिजल्ट, उसके बाद फाइनल फोटोग्राफ के बाद ही मंच से हिलते हैं, अपने आंख के सामने पूरी ट्रायल कराते हैं। उस दौरान हजारों बच्चे उनके साथ फोटो खिंचाते हैं, ये तो मेरी आंख का देखा हुआ है सब कुछ। और ट्रायल का एक नियम है सर, ट्रायल का एक नियम है कि बिना वीडियोग्राफी के ट्रायल हो ही नहीं सकती है, इसलिए पूरी कार्रवाई की, एक एक कुश्ती की वीडियो बनती है। तो नेता की एक और गंदी आदत है, जब ट्रायल होती है तो बाकायदा माइक लेके मंच पे बैठे रहते हैं और वहीं से संचालन करते हैं, अरे लड़के तुम वहां जाटो, हल्ला मत मचाओ, अगली कुश्ती कराइए, लेट हो रहा है, ये सब बातें वो बोलते रहते हैं, और वो सब रिकॉर्डिंग में सुनाई देता है, कई बार दिखाई देता है, कई बार कैमरा उन पे पैन हो जाता है। अच्छा, नेता की एक और आदत है, उनके पास अपनी एक सोशल मीडिया टीम है जिसमें एक वीडियोग्राफर एक फोटोग्राफर 24 घंटा उनके साथ रहते हैं, नेता आदमी है ना, सोशल मीडिया के महत्व को जानते हैं। तो आज हम यहाँ की, आज हमने वहां पे बल्लम गाड़ दिया, आज वहां पे आसमान टेढ़ हो गया था हमने बल्ली लगा दिया, आज वहां पे धरती जो है पलट गई थी हमने उसको फावड़ा लेके सीधा कर दिया, ये सब जो है नेता लोग, आज फलनवा के घरे जो है तिलक था वहां गए, फलनवा घरे ते रही थी वहां गए, फलनवा मर गया था उसको फूंक के आए, ये सब डेली। तो उस दिन वो लखनऊ में मौजूद थे, इसके 1000 प्रूफ हैं, प्लस कॉल डिटेल तो आजकल सबकी होती ही है, प्लस वो 25 तो पुलिस वालों का रिकॉर्ड, प्लस साई सेंटर में ट्रायल हो रहा था इसके प्रूफ। तो अब इस एलिबाई में कोई गुंजाइश है सर शक की? अनिल सिंह जी आप बताइए। नहीं, हमारे हिसाब से तो नहीं है भाई, मिलाड़ के हिसाब से तो लगता है कि है। नहीं नहीं, मिलाड़ लखनऊ में बैठा बैठा रिमोट से उठाया होगा टी शर्ट पक्का। अब आइए, 16 अक्टूबर को नेताजी लखनऊ में कुश्तियां करा रहे थे, और ये सारा का सारा एविडेंस नेताजी ने कोर्ट में प्रस्तुत किया है और इवन चार्जशीट में भी दिया है, पुलिस की जांच में बकायदा अपना अपनी निर्दोष होने के सबूत दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में जिक्र किया है कि आरोप ये था, हमारी जांच में ये पाया गया। अब आ जाइए 17 अक्टूबर, तो नेताजी ये कहते हैं कि जी 16 अक्टूबर को ट्रायल करा के रात को मैं अपने घर चला गया था, और 17 को मैं गोंडा के अपने कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में अपने क्षेत्र में था, मेरे विभिन्न कार्यक्रम थे जिसमें एक कार्यक्रम था कि वहां कोई ओपन जिम, जो आजकल पार्क में जिम नहीं लगाए जाते, वैसे किसी जिम का उद्घाटन था। तो 17 अक्टूबर को नेताजी अपने क्षेत्र में थे और विभिन्न सोशल कार्यक्रमों में भाग ले रहे थे। अब बताइए,
आरोप कितने सच्चे हैं और कितने झूठे हैं, आप बताइए। अब मुझे तो मिलाड़ की थ्योरी ये मालूम पड़ती है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो है वो इतने पावरफुल आदमी हैं कि जिस दिन का आरोप होता है उनके ऊपर उस दिन की वो एक एलिबाई जो है वो क्रिएट कर लेते हैं किसी तरह से। 5 साल बाद क्रिएट कर लिए, आरोप तो 5 साल बाद लगे ना भाई। घटना 2017 की है, आरोप लगे 2023 में, तो 6 साल पहले के एलिबाई जो है ब्रजभूषण नेता ने पावरफुल होने के नाते क्रिएट कर ली। तो और क्या जस्टिफिकेशन हो सकता है आरोप पत्र के दाखिल होने के? एक जस्टिफिकेशन और है, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बोला सर तुहार लहंगा उठा देव रिमोट से इस गाने के अलावा एक और है, उसने उनको महाभारत की क्लिपिंग दिखाया कि सर ये देखिए भाई जो फलाने जो ऋषि थे ऋषि वेद व्यास आंख से ताक दिए थे तो रानी गर्भवती हो गई थी, आंखें से ताक के किए थे ना, क्यों आपने देखा है कि नहीं महाभारत? हाँ तो ये टेक्नोलॉजी तो सर हजारों सालों से हमारे देश में है, आंख से ताक के गर्भवती कर देता है पावरफुल मैन। तो जब महर्षि वेद व्यास ताक के गर्भवती कर दिए सर, हलवा खिला के बर्फी खिया के सेब खिया के तमाम हमारे यहाँ महापुरुष पैदा किए गए हैं, तो ब्रजभूषण का है नहीं सर, हो सकता है काजू कतली खिला के कर दिया, जांच होनी चाहिए कि नहीं? तो है सर, मैं तो जांच हो रही है सर, क्या पता हलवा खिला सर, हलवा खिला के भी तो जौन शोषण हो सकता है, गर्भधारण हो जाता है, आंख से देख कैसे ताक दे ऐसे याद है ऐसे ताके थे और दूठो एकदम रह गई थी और गर्भ में जो है लड़का हो गल सर। तो बाबा जी ये पूरा मामला जो है वो राजनीतिक ही है, राजनीति के लिए सब कुछ किया गया, तो इस राजनीतिक मामले से भाजपा जिस तरीके से लड़ रही है उसके बारे में कुछ टिप्पणी करें, मतलब ये तो बहुत ही आसान होता कि ब्रजभूषण शरण सिंह को आप भी चाहते हैं कि मैं जो हूँ सुरक्षित अपने घर पे ना रहूं, आप लोग मेरे मुंह ऐसे सवाल पूछ के आप लोग मुझे प्रोवोकेट करते हैं कि मैं इस सरकार को और हमारे परिधान सेवक जी को कुछ अंड का बंड बोलूं, फिर आप लोग कहे कि बाबा बहुत ऐसे है, बहुत अवाह बोलता है, वाणी संयम हैया नहीं है, बबुआ माल फूंक के वीडियो बनाता है, बहुत गाली देता है, बताओ परिधान सेवक को भी गाली दे सर, मुझे भाजपा को प्लीज गाली मत दिलवाइए ऐसे सवाल। तो चलिए जैसे जैसे मिलाड के लिए आपने बताया जस्टिफिकेशन कि हो सकता है वो पौराणिक काल के कुछ दृष्टांतों से जो है प्रभावित होकर के उन्होंने मामला बना लिया है, तो उसी तरीके से भाजपा भी जो है वो एक राजनीतिक आरोप से राजनीतिक तरीके से न निपट करके शुद्ध गांधीगिरी वाले तरीके से निपटना चाहती है, इसका क्या जस्टिफिकेशन है? नहीं 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 सर, वो भाजपा का भाजपा भी एक फिल्म देख ली है, वो एक फिल्म बनाई थी राम गोपाल वर्मा ने, लव के लिए साला कुछ भी करेगा, उस फिल्म से प्रेरणा लेकर भाजपा ने एक सूत्र, आप जाइए तो वहां पे लिखा है, होता है ना हर रेजिमेंट का एक सूत्र भाग नहीं होता है, वीर भोग्या वसुंधरा ऐसे वैसे LIC का आयोग क्षेम वहा में हम है ना, सरस्वती शिशु मंदिरों का है स्वयमेव मृगेंद्रता, उसी तरह सर भाजपा का भी एक सूत्र वाक्य है, हेनेता की हेनेता की है, भाजपा का भी एक सूत्र वाक्य है कि वोट के लिए साला कुछ भी करेगा, उठेगा बैठेगा लेटेगा। तो सर भाई कुछ भी करने से वोट मिलता है तो करिए सर, जाट राजनीति सरेआम हो रही थी, बेशर्मी से हो रही थी, भाजपा लेट गई, भाजपा को लेटने की आदत है, अब कैसे लेटी वो सब हम तेल चटाई इत्यादि विशेषणों का प्रयोग आपके कहने से मैंने बंद कर दिया है,
इसलिए सिंपल लेटी थी, एकदम सिंपल भाजपा। तो चलिए बाबा जी, अब डिस्कशन हमारा जो है वो दूसरे टेरिटरी में जा रहा है। हाँ। तो जो मूल प्रश्न हमारे सामने था कि आरोपों को आप क्यों निराधार मानते हैं, उसका आपने बहुत अच्छी तरह से वर्णन कर दिया है। मैं समझता हूं कि ये सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति ये तो मानने को तैयार नहीं होगा कि वास्तव में उनका यौन शोषण हुआ है जो लोग आरोप लगा रहे हैं, या आरोपों में लेश मात्र भी सच्चाई थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो एक और पहलवानी है हमारी जो नेताइन बनते बनते रह गई, उसने भी आरोप लगाया है। मेरा भी जॉन, तो उन्होंने पूछा आपका जॉन सोसन कहां हुआ था, बोले जब मैं ओलंपिक का मेडल जीत के मैट से उतरी थी तो अध्यक्ष जी ने मुझे गले लगा लिया। ओहो, क्या बात क्या बात है। ओहो, सर ऐसे ऐसे हास्यास्पद आरोपों पर हमारे देश का पूरा मीडिया, कल मैं एक अभी आज सुबह सुन रहा था, देश के 5 मूर्धन्य पत्रकार डिस्कस कर रहे थे, अरे आरोप लगे थे जनवरी में, 24 अप्रैल को FIR दर्ज हुई। उन मूर्खों से कोई ये कहे कि अरे भैया जंतर मंतर पे आरोप लगाने से FIR नहीं होती है, ये बताइए कि पुलिस कंप्लेंट कब हुई पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में, तो वो हुई है 19 के आसपास अप्रैल को। तो पुलिस ने कंप्लेंट लेके रख ली और बोला कि संवेदनशील मामला है और चूंकि आरोप 5-5 साल पुराने हैं, डेट तक नहीं है, तो हमें थोड़ा सा जांच करने का समय दीजिए। तो मामला सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा काहे नहीं FIR दर्ज कर रहे हो जी, तो बोले सर थोड़ी सी जांच करना चाहते हैं। बोले यार जांच FIR में कौन सा, हम FIR दर्ज कर लो फिर जांच करते रहना, अगर झूठे आरोप लगेंगे तो FIR लगा देना। उन्होंने बोले जी कर लेते हैं। अब इसको एक इतना बड़ा मुद्दा, मतलब देश के 5 बड़े पत्रकार बोल रहे हैं कि 18 जनवरी में जब जंतर मंतर पे आरोप लग गया था तो FIR 24 अप्रैल को काहे हुई। अरे भैया सिर्फ मुजवानी आरोप, वो भी जंतर मंतर पे लगे थे, थाने में जो लिखित कंप्लेंट दी गई है वो 19 या 20 अप्रैल को दी गई है, 24 अप्रैल को हो गई FIR, कहां डिले है। मैं अब एक, हालांकि वीडियो काफी लंबी हो गई है, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि आखिर इन पहलवानों ने आरोपी की प्रेजेंस एलबाई का ध्यान रखे बिना इस प्रकार के आरोप क्यों लगा दिए जो कि 1 मिनट भी कोर्ट में टिकेंगे नहीं। कि जब आरोपी के पास एक स्ट्रॉन्ग एलबाई है तो आखिर इन्होंने आरोप, सर बात यह ना कि ओरिजिनली तो जब इन्होंने आरोप लगाए हैं 18 जनवरी को तो इनका कोई, इन्होंने कोई तैयारी तो की नहीं, तो इनके मुंह से तो आरोप निकल गए या इन्होंने लगा दिए, इनको क्या मालूम था कि ये आरोप सिद्ध भी करने पड़ेंगे। तो जब सब, अब 3 महीना इन्होंने तैयारी की है, 18 जनवरी को पहले धरने के बाद आखिर 20 अप्रैल तक, 18 जनवरी से 20 अप्रैल, फरवरी मार्च अप्रैल, 90 दिन ये क्या कर रहे थे। 90 दिन तक पहले ये कुछ विक्टिम ढूंढते रहे, क्योंकि ये तो ऑन रिकॉर्ड कह चुके थे कि नहीं नहीं हमारे साथ कुछ नहीं हुआ है, कुछ लड़कियों के साथ हुआ। तो उन्होंने बोले यार कोई लड़की लाओ, इवन बजरंग पुनिया का तो एक रिकॉर्डिंग तक में कह रहा है चाहे जहां से लाओ कोई लड़की लाओ। तो ये 3 महीने तक विक्टिम ढूंढते रहे कि कोई लड़की आरोप लगा दे। जब कोई तैयार नहीं हुई तो एक अखाड़े के कोच साहब तैयार हुए, जिनके अखाड़े की 4 लड़कियों ने एक आरोप लगाया, जिसमें से एक वो पॉक्सो वाली ने रिट्रैक्ट कर लिया, बाकी 2 अभी भी हैं, उन पे जांच चल रही है। और 3 ये नेताइन लोग, नेताजी की पत्नी नेताइन और एक पहलवानी और इस टाइप की एक और, वो जो जब सर्बिया में थे तब आरोप लगे। तो सर बात ये थी कि अब इनको आरोप लगाना था तो इनको कहीं से भी ये सिद्ध करना था कि हम, अरे भाई आप कह रहे हैं कि अजीत सिंह ने मुझे छेड़ दिया लखनऊ में, तो उस दिन आप खुद तो लखनऊ होने चाहिए।
उन्होंने याद किया कि हम किस तारीख को दिल्ली गए थे। अब 5 साल पहले के याद रखा था कौन तारीख को दिल्ली गए थे, क्यों आपसे मैं पूछ लू 5 साल मैं आप किस तारीख को वहां गए थे तो आपको क्या याद है? हर आदमी डायरी तो मेंटेन करता नहीं है। तो सर नेताजी की पत्नी ने जो आरोप लगाया है ना, उस दिन उनको कंफर्म पता था कि मैं दिल्ली में थी, क्यों? क्योंकि 14 जो उनको नेताजी की होने वाली पत्नी का हैप्पी बर्थडे होता, उस दिन वो दिल्ली में रहे होंगे, हैप्पी बर्थडे कहीं मनाए होंगे, उधर बोला हाँ इस तारीख को तो हम दिल्ली में थे। तो 14 का आरोप लगा देते हैं। अरे भैया ये भी आरोप देख रहा होता है कि जिसके ऊपर अपनी प्रेजेंस तो इन्होंने कंफर्म करा दी कि हाँ जी हम दिल्ली में थे, तो जिसके एक्यूज्ड की भी तो कराओ कि वो भी था कि नहीं था दिल्ली में। तो वो करा नहीं पाए उस दिन नेताजी लखनऊ में, कभी सर्बिया मिले, कभी लखनऊ मिले, कभी गोंडा मिले। उसी तरह एक नेताइन जो 16 और 17 अक्टूबर को बता रही हैं कि मैं दिल्ली में थी, फिर हाई हुआ, फिर हम होटल में रात को चेक इन किए, उन्होंने जब आरोप लगाना का जब भूमिका बनाई तो उन्होंने कहा कि हाँ इस तारीख को हम उस होटल में गए थे, बस उसी तारीख को लगा देते हैं। हम तो 16 को भी दिल्ली में हैं, शाम की होटल की चेक इन है, 17 को 11 बजे होटल से चेकआउट है, तो बस बोल देते हैं कि 16 को दिन में हुआ, 17 को फिर दोपहर में दो बार हुआ, दो बार रिमोट से लहंगा उठा। इसीलिए इन आरोपों में इतना पुल है, आप समझ रहे हैं ना। अच्छा पुलिस हर चीज में CDR मिलाती है आजकल। अरे मैंने आपको छेड़ दिया तो हम दोनों की लोकेशन CDR में एक जगह मिलनी चाहिए, क्यों? मैं बैठा हूं मनाली, आप बैठे हैं लखनऊ, बोला अजीत सिंह हमको छेड़ दिया, पुलिस कह गए मनाली में था यार वो। तो बोलिए, तो ये आरोप तो बिल्कुल बचकाने हैं बाबा जी, जैसा कि बहुत पहले से चर्चा में है ये सब। लेकिन दुख की बात यह है कि जो इनका राजनीतिक उद्देश्य था ये आरोप लगाने का, वो तो काफी हद तक पूरा हो गया। हाँ, कांग्रेस पार्टी का भी पूरा हुआ। हरियाणा में जिस प्रकार का रिजल्ट देखने को मिला लोकसभा के चुनाव में, वैसी तो कल्पना नहीं की थी किसी ने। और अभी विधानसभा के चुनाव में भी जो सर्वे वगैरह करने वाले हैं वो यही बता रहे हैं कि लड़ाई जो है काफी टफ है, और इनफैक्ट थोड़ा बहुत कांग्रेस के पक्ष में ही झुका हुआ है पलड़ा। तो पहलवानों का तो जो होगा होगा, आरोप जिन्होंने लगाया है, जिनके आरोप झूठे पाए जाएंगे उनकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन जो उद्देश्य था, उनके पीछे जो लोग खड़े थे, जिनसे कोचिंग लेकर के आरोप लगाए गए, जिनके कहने पर आरोप लगाए गए, उनका तो काम हो गया। राजनीतिक उद्देश्य से सारा काम किया गया था और वो उद्देश्य तो उनका पूरा हो गया। और ये बड़े दुख की बात है कि बड़ी आसानी से पूरा हो गया। एक ऐसे बचकाने किस्म के आरोप लगा करके एक व्यक्ति जो कि अपनी पत्नी को सीढ़ी बना रहा है राजनीति में ऊपर चढ़ने के लिए, और वो पूरे मामले को जो है जातीय अस्मिता से जोड़ देता है और लोग मान भी लेते हैं, तो ये जो है एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। मैं समझता हूं कि इस पर हम लोग अगले वीडियो में बात कर लेंगे। तो आपकी आज्ञा हो बाबा जी, तो आज की वार्ता यही समाप्त की जाए। अंतिम एक लाइन, आपने कहा कि अगर आरोप झूठे पाए गए तो इनकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे सर, नंगे आदमी की क्या जिंदगी बर्बाद होगी? जो अपने राजनीतिक हित के लिए अपनी पत्नी की टी शर्ट उठवा दे रहा है राजनीतिक सीढ़ी चढ़ने के लिए, जो अपनी पत्नी को ही मोहरा बना दे रहा है, उसकी क्या जिंदगी बर्बाद होगी? सर आपने अंत में जो कंक्लूड किया है ना सर 3 लाइन में, वो एकदम 100% सही है। मेरा जो दृढ़ विश्वास है कि आरोप झूठे हैं, क्योंकि मैंने तथ्यों का अध्ययन किया है।
मैंने वह 1500 पेज की चार्जशीट कम से कम 20 बार पढ़ी है हाइलाइटर मार्कर लेकर। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितने लोग वो कल 5 देश के मूर्धन्य पत्रकार वो जो कल चर्चा कर रहे थे उसमें से किसी ने तथ्यों पे को जानने की कोशिश ही नहीं की। बस आरोप लगाए हैं तो फांसी क्यों नहीं हुई अब तक। तो अनिल भाई आपने मुझे समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में सर कहते हैं धन्यवाद बाबा जी। जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम।